नमस्कार दोस्तों, आइए आज मैं कटहल के कोफ्ते लेकर आई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैंने ये कटहल लिया है और इसको कुकर में एक सीटी लगा के उबाल लिया है। ये देखिए, ज़्यादा मत लगाइएगा दोस्तों, एक सीटी ही बहुत है। ये आराम से मसल जा रहा है, ये देखिए। तो और चाहिए हमें उबले हुए कटहल के साथ सरसों का तेल, पानी। आप दूसरा तेल भी यूज कर सकते हैं, तो मैं सरसों तेल में ही बनाती हूँ। और चाहिए अदरक, लहसुन का पेस्ट, टमाटर 2 से 3 कटे हुए, कस्तूरी मेथी, धनिया पाउडर, पत्ता, हरी मिर्च, चीरा लगाया हुआ आप बारीक भी काट सकते हैं। और ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए। और यहाँ तड़के में मैंने लिया है लाल मिर्च, तेज़पत्ता, लौंग, इलायची को कूट लिया है, हल्का सा क्रश कर लिया है। और ये है जावित्री और ये है दालचीनी। और चाहिए बेसन बाइंडिंग करने के लिए कोफ्तों को। और चाहिए नमक, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, जीरा और काली मिर्च का पेस्ट, पाउडर। और चाहिए साबुत जीरा, ये ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें। तो चलिए, मैं इधर आपसे बात भी कर रही हूँ और इधर मैं 2 कढ़ाइयाँ चढ़ा देती हूँ और दोनों में तेल डाल दूँगी और मैं दिखाती हूँ। दोस्तों, मैं कटहल को हाथों से ही मैश करती हूँ, मैं इसको मिक्सी से ग्राइंडर नहीं करती हूँ। तो चलिए इसे मैश कर लेती हूँ कटहल को और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मैं मैश हाथों से नहीं करती हूँ तो मेरे बच्चे पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि कटहल है या क्या है, इसलिए मैं हाथों से ही मैश करती हूँ। तो चलिए मैं हाथ धोती हूँ और मैश कर लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैश हो चुका है और आप देख रहे हैं कि इसमें ये रेसे दिख रहे हैं। और इसी तरह मेरे बच्चे चाहते हैं ताकि खाएं तो पता चले कि हाँ हम कटहल खा रहे हैं या क्या खा रहे हैं। तो चलिए मैं एक एक करके इसमें मसाले डाल लेती हूँ। तो इसमें मैं डालूँगी नमक, नमक कम ही डालेंगे क्योंकि ग्रेवी में डालना है, काली मिर्च, जीरा, लाल मिर्च, हल्दी। नमक दोस्तों कम ही रखिएगा क्योंकि हम ग्रेवी में भी डालेंगे तो ज़्यादा हो सकता है। और चाहिए थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, और अब मैं इसमें बेसन डालूंगी और इसे मैश कर लेंगे। तो चलिए बेसन डाल के मैश कर लेंगे। मेरे लगभग 400 से 500 ग्राम का कटहल है, ये अंदाजे से है। एक बड़ा कटहल था जिसे मैंने घर में ही काट लिया था। तो चलिए हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा तैयार हो गया। अब मैं इसके साइज और गोले जो भी आप चाहें, चपटा बनाए, गोल बनाए, बड़ा बनाए, छोटा बनाए, साइज आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन दोस्तों साइज ज़्यादा बड़ा मत करिएगा, एक नींबू के बराबर या उससे थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि पकने में भी टाइम लगता है। तो चलिए, मैं इससे बात कर रही थी तब तक मैंने इधर 2 कढ़ाइयों में तेल रख दिया। तो अब शुरू करते हैं इधर। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने 2 कढ़ाई में तेल रख लिया, इसमें मैं फ्राई करूँगी और इसमें बनाऊँगी। इसमें मैंने 2-4 चम्मच तेल ले लिया और इसमें आप डीप फ्राई के लिए जितना तेल लेना चाहती हैं ले सकती हैं। तो चलिए अब हम गोले बना लेते हैं कोफ्तों के। तो चलिए दोस्तों, हमारा तेल भी गर्म हो गया है दोनों तरफ, जी हाँ। और मैं इसमें आप गोले का साइज देख लीजिए, ये देखिए मैं इसमें डाल देती हूँ। आँच ज़्यादा तेज नहीं रहेगा दोस्तों, मीडियम में ही रहेगा, वरना हमारे कोफ्ते या तो गल जाएंगे या कच्चे रह जाएंगे। अगर तेज होगा तो बाहर से तो जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और इधर हमारा तेल भी गर्म हो गया तो अब मैं इसमें डालूंगी सबसे पहले तेज पत्ता, फिर डालूंगी मैं क्रश किए हुए गरम मसाले, प्याज, हरी
और अब हम प्याज होने तक इसे पका लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे कोफ्ते तैयार हो गए और इधर मेरा प्याज भी हो रहा है। तो चलिए कोफ्तों को निकाल लेते हैं और फिर हम कोफ्ते निकाल लेते हैं और हम फिर और कोफ्ते भी बना के रखते हैं, वो भी डालते हैं। ये हमारा अच्छी तरह हो गया। आंच तेज मत रखिएगा दोस्तों, वरना ही बिल्कुल कम, मीडियम से थोड़ा सा कम, वरना हमारा जो कोफ्ता है वो अंदर तक नहीं पकेगा। चलिए इसे निकाल लेते हैं और प्याज के होने तक प्याज को भून लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे कोफ्ते इतने तैयार हो गए और मैंने इसमें डाल दिया और अब इनको होने देते हैं। और इधर हमारा प्याज भी हो गया, तो अब मैं इसमें डालूंगी सारे मसाले। तो मैं सबसे पहले डालती हूँ टमाटर और अब मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसे कुछ सेकंड भून लेंगे। चलिए कुछ सेकंड हो गया अदरक लहसुन का पेस्ट भूनते हुए। तो अब मैं एक एक करके इसमें मसाले डालूंगी। आधा चम्मच काली मिर्च जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर 1 से 1.5 चम्मच, आप चाहे तो पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लाल मिर्च स्वाद अनुसार, कम ही डालिएगा दोस्तों क्योंकि उसमें और कोई सब्जियां नहीं है हरी, तो ये ज़्यादा तीखा हो जाएगा। और ये मैंने डाला हल्दी। चलिए अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं और इधर हम अपने कोफ्तों को भी देख लेते हैं। चलिए फिर इसे कम आंच पे मैं टमाटर के गलने तक थोड़ा सा पानी डालकर इसे भून लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारा हो चुका है मसाला। और मसाला अच्छी तरह भूनिएगा वरना स्वाद नहीं आएगा कोफ्ते का। तब मैं डालती हूँ इसमें हरी मिर्च और डालूंगी कसूरी मेथी। और इसको 2 मिनट के लिए फिर से चला लेंगे। दोस्तों 2 मिनट हो गया कसूरी मेथी के साथ भूनते हुए। और ये देखिए टमाटर सारे हमारे गल गए। और अब मैं इसमें डालूंगी पानी। दोस्तों ये मैंने डाल दिया पानी और अब मैं इसे ढक कर उबलने दूंगी। जब उबाल आ जाएगा तब मैं इसको कोफ्ते डाल दूंगी। तो ये जी देखिए खोल रहा है ये, और अब मैं इसमें डालूंगी कोफ्ते। कोफ्तों को डाल के इसको 5 मिनट के लगभग या कोफ्तों के पकने तक मैं इसे पका लूंगी। ग्रेवी ज़्यादा रखिएगा क्योंकि कोफ्ते जो है वो सारा पानी सोख लेंगे। चलिए इसे उबाल लेते हैं 3 से 4 मिनट या कोफ्तों के पकने तक। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, ये हमारे कोफ्ते अच्छी तरह हो गए। देखिए आराम से कट भी जा रहे हैं। तो ये हमारे हो चुके हैं और ग्रेवी अंदर तक चली गई है। चलिए इसे ऑफ करते हैं गैस और सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, मैंने सर्व कर दिया कोफ्ता कटहल के। तो आप इसे किसी के भी साथ भी सर्व कर सकते हैं, रोटी पूरी पराठा चावल। तो बनाइए खाइए, आपका भी कोई तरीका है तो मुझे ज़रूर बताइए। दोस्तों मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें।
ताकि मैं आगे बढ़ती रहूं, और आपके प्यार सहयोग की बहुत ज़रूरत है मुझे। इसी तरह अपना प्यार सहयोग बनाए रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।